आदित्य टेक्निकल क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, कल मेरी पहली क्लास में मैंने पहला लेसन स्टार्ट किया है। पहला लेसन प्रारंभ में विद्युत और पहले लेसन की पहली क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें एक बेसिक विद्युत से मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक विद्युत धारा के बारे में जाना है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी, चल विद्युत किसने बनाई थी, विद्युत को उपयोग में लेना किसने सिखाया था, उसके बाद में विद्युत धारा के पढ़े थे हमने टैप्स, कि विद्युत धारा के कितने टैप्स पढ़े थे आपने, दो, एक एसी और एक डीसी। उसके बाद में पढ़े थे हमने एसी के प्रकार, एसी के हमने तीन प्रकार पढ़े थे, साइन वेव, स्क्वायर वेव और शॉर्ट टूथ वेव। अब उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं दूसरी प्रकार की जो धारा है हमारी, एक डीसी प्रकार की धारा है दोस्तों। एक डीसी प्रकार की जो विद्युत धारा है, हम डीसी की बात करने जा रहे हैं, डीसी या इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट या इसे हम बोल देंगे एक दिष्ट धारा, अरे डायरेक्ट करंट या एक दिष्ट धारा। तो विद्युत धारा एक दो प्रकार की थी, एक एसी और एक डीसी। डीसी का पूरा नाम रहेगा डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। अब हम बात करते हैं कि डीसी हम किसे कहेंगे, तो आए मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि एसी किसे कहेंगे और डीसी किसे कहेंगे, तो मैंने आपको कहा था एक को तो आपको याद रखना है मान को और एक आपको याद रखना है दिशा को। अब हम बात करें डीसी की क्या परिभाषा देंगे, कि वह धारा जिसका मान और दिशा एक नियत रहता हो, साफ कैसा रहता हो, नियत रहता हो, उसे कौन सी प्रकार की धारा कह देंगे अपन, एक डीसी एक डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि मुझे इस डीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, या डीसी के उपयोग, अरे डीसी के उपयोग कहाँ कहाँ हम डीसी के उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में हम डीसी का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, साहब हम बात करने जा रहे हैं। तो देखें दोस्तों, इसे डीसी के उपयोग के बारे में बात करें, सबसे पहले उपयोग में कहोगे, नंबर एक आप कहोगे डीसी के उपयोग में बैटरी चार्जिंग। यदि मुझे बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी, डीसी की आवश्यकता पड़ेगी। हम कहेंगे दूसरा धातु शोधन, डीसी के उपयोग में हम कहेंगे धातु शोधन। इससे धातु शोधन को हम धातु निष्कर्षण भी कहते हैं, धातु शोधन या धातु निष्कर्षण भी इसे कहेंगे साहब। इसे धातु शोधन या धातु निष्कर्षण के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ रही है, डीसी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी। आपने कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक वर्ड पर एक वर्ड लिख दिया, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को निमी भाषा में बात करें तो हम बोलेंगे मुद्रण, अरे क्या बोलेंगे, मुद्रण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी, डीसी की। आपने कहा दोस्तों कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही जानते गुरु जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है, डीसी की। आपने कहा चौथा उपयोग में आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है, आपने कहा दोस्तों डीसी की। आर्क वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन से प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कौन सी वेल्डिंग के लिए करते हैं, केवल आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नंबर पांच में कहा मैंने कैपेसिटर निर्माण, अरे पांचवें में कहा दोस्तों मैंने कैपेसिटर का निर्माण, जिसे हम देसी भाषा में बात करें तो कंडेंसर बोलते हैं, निमी भाषा में बात करें तो संधारित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो दोस्तों कैपेसिटर के निर्माण करने के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ेगी, डीसी की। छठवां कहा सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर, इस सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए भी निम्न में से कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ती है, डीसी की। तो आपने डीसी की उपयोग जाने कि हमें डीसी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों हमने बनाई है, क्योंकि एसी हमारी एक ऐसी धारा है जिससे कुछ कार्य हमारे नहीं हो सकते, उनके लिए कौन सी प्रकार की धारा चाहिए, डीसी। और डीसी के उपयोग में आपने कहा नंबर एक बैटरी चार्जिंग, धातु शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, कैपेसिटर निर्माण और सिनेमा प्रोजेक्टर, इन सारे कार्यों के लिए कौन सी प्रकार की धारा की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों, तो हम कहेंगे डीसी। तो निम्न में से डीसी का उपयोग है या निम्न में से डीसी का उपयोग नहीं है, इसके अलावा जो भी आएगा वो डीसी उपयोग हमारा
नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल। आप कहते हो ऑनलाइन क्लासेज हमारे गुरुजी समझ में नहीं आती, बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर लेके चल रहा हूं। बस केवल मेरी एक एक वीडियो को तरीके से आप देखते रहना, पहली वीडियो उसके बाद में सेकंड वीडियो, तो सेकंड क्लास मेरी यहां पर है, लगातार आपको बताता रहूंगा। टॉपिक भी टॉपिक मतलब सीडी वाई सीडी हम चलते रहेंगे, एक दिन आपकी लड़ी लगातार बनती चली जाएगी दोस्तों। तो आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा था विद्युत धारा के प्रकार दो प्रकार पढ़े आपने, एक एसी और एक डीसी। एसी के प्रकार पढ़े आपने, तीन प्रकार जाने, साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। पहली क्लास में आपने जाना गुरुजी विद्यार्थियों, कल आपने जाना था कि साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीसी के प्रकार। अरे डीसी के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं, डीसी भी कितने प्रकार की हमारी होती है, तो हम बात करेंगे। जिस प्रकार से हमारी एसी के तीन प्रकार थे, उसी प्रकार से हमारी डीसी के भी साहब प्रकार रहेंगे। अरे डीसी के भी हमारे क्या रहेंगे साहब, प्रकार रहेंगे। तो डीसी के हमारे प्रकार के बारे में बात करें तो डीसी हमारी साहब तीन प्रकार की होगी। तीन प्रकार में नंबर एक को नाम दिया शुद्ध डीसी, एक प्योर डीसी। नंबर एक नाम दिया शुद्ध डीसी, नंबर दूसरी को नाम दिया एक परिवर्ती डीसी। नंबर दूसरी को नाम दिया मैंने एक परिवर्ती डीसी और नंबर तीसरी को नाम दे दिया पल्सेटिंग डीसी। नंबर तीसरी को नाम दे दिया पल्सेटिंग डीसी। तो डीसी मेरी कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की। नंबर एक शुद्ध डीसी, नंबर दूसरा परिवर्ती डीसी और नंबर तीसरा पल्सेटिंग प्रकार की डीसी। दोस्तों विद्युत धारा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, एसी और डीसी। एसी कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है। नंबर एक साइन वेव, नंबर दूसरा स्क्वायर वेव, नंबर तीसरा शॉर्ट टूथ वेव। डीसी कितने प्रकार की, ये भी तीन प्रकार की है। नंबर एक शुद्ध डीसी, नंबर दूसरा परिवर्ती डीसी और नंबर तीसरा पल्सेटिंग डीसी। अब बात करते हैं कि हम बात करते हैं अंदर डीपली जा रहे हैं कि मुझे ये बताओ केवल शुद्ध प्रकार की डीसी या परिवर्ती डीसी या पल्सेटिंग डीसी, हमारे पास में ऐसे कौन कौन से परिपथ हैं जिनके माध्यम से हम ये डीसी के प्रकार को प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम जानेंगे एसी को और डीसी में यदि मुझे कन्वर्ट करना है, और एसी को यदि मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में होता है एक रेक्टिफायर। अरे क्या होता है, रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं डायोड। अरे क्या बोलते हैं इसे, डायोड। अरे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि यदि मेरे पास में एसी प्रकार की धारा है और मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास में क्या होता है, रेक्टिफायर या डायोड के माध्यम से मैं एसी को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, डीसी में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे हमारा एक मोबाइल चार्जर होता है, वो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है साहब। लेकिन ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो शुद्ध नहीं कर पाता, एक प्योर डीसी नहीं कर पाता, मतलब उसमें कुछ अशुद्धि रह जाती है, कुछ उस पल्स रह जाती है। तो हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अशुद्ध डीसी रह जाएगी आपकी, अशुद्ध डीसी प्राप्त कर रहे हैं रेक्टिफायर के द्वारा। तो अब मुझे शुद्ध डीसी प्राप्त करनी है, तो शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए यहां पर आपको रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण करना पड़ेगा। अरे किसका निर्माण करना पड़ेगा, रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जब हमारा टॉपिक आएगा, एक लास्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएमआरसी में 10 नंबर की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, तो दोस्तों वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन यहां पर टॉपिक है इसलिए ये चीज क्लियर करूंगा। रेक्टिफायर परिपथ के प्रकार पढ़ोगे आप, और रेक्टिफायर परिपथ के प्रकार पढ़ेंगे तो प्रकार पढ़ेंगे हम चार प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहले को कहोगे फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों हम पहले का नाम देंगे फुल वेव रेक्टिफायर पहले नंबर का, दूसरे को नाम दोगे हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे नंबर का रहेगा दोस्तों हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर, तीसरे नंबर का रहेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर, तीसरे नंबर का रहेगा दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर, और चौथे नंबर का रहेगा थ्री फेज रेक्टिफायर। अरे चौथे नंबर का रहेगा थ्री फेज रेक्टिफायर। तो दोस्तों हमने जाना
कि हमारे जो रेक्टिफायर परिपथ हैं ये कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। नंबर एक फुल वेव रेक्टिफायर, नंबर दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर और नंबर चौथा थ्री फेज रेक्टिफायर। अब हम ये भी जानेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे कि हाफ वेव किसे कहेंगे, फुल वेव किसे कहेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहेंगे और थ्री फेज रेक्टिफायर किसे कहेंगे। तो आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको एक सिंपल तरीके से टेक्निकल बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। बस केवल लगातार यहीं पर ध्यान देना, बोर्ड पर नजर रखना। देखें हाफ वेव में कहेंगे एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या केवल कितनी होगी, एक होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अरे हाफ वेव रेक्टिफायर की परिभाषा दी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या केवल क्या होगी, एक, अरे वो क्या कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी होगी, दो, अरे डायोड की संख्या कितनी होगी, दो, उसे क्या बोल दोगे, फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी हो, चार, अरे कितनी हो, चार, उसे क्या बोल दोगे, इज ब्रिज रेक्टिफायर। और एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी होगी, छह, तो उसे क्या बोल देंगे, थ्री फेज रेक्टिफायर। बहुत आसानी से आपने चारों परिपथों को जाना। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या एक होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी होगी, दो, उसे क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी होगी, चार होगी, उसे हम बोलेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। और एक ऐसा परिपथ जिसमें डायोड की संख्या कितनी होगी दोस्तों, छह होगी, उसे बोलेंगे हमें थ्री फेज रेक्टिफायर। तो ये हमारा था रेक्टिफायर परिपथ के प्रकार। अब हम अपने टॉपिक पर चल रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि निम्न में से ऐसा कौन सा परिपथ है जिसके द्वारा हम शुद्ध डीसी प्राप्त करते हैं। तो आओ दोस्तों नोट पर जान रहे हैं कि शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए एक फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है साहब। अरे दोस्तों यदि मुझे ये शुद्ध प्रकार की डीसी चाहिए तो शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग करूंगा मैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी लगी होगी, दो, अरे कितनी लगी होगी, दो। अब हम बात करते हैं कि मुझे यह बताओ इस फुल वेव रेक्टिफायर में आपने ऐसी कौन सी युक्ति लगाई है, ऐसा कौन सा डिवाइस काम में लिया है जिससे डीसी भी आप कैसी प्राप्त कर रहे हो, शुद्ध प्राप्त कर रहे हो। तो आपने कहा फुल वेव रेक्टिफायर में हमने इस डीसी को फिल्टर करने के लिए, तो फिल्टर परिपथ का निर्माण, और फिल्टर परिपथ का निर्माण करने के लिए यहां पर लगा दी एक चन्नी। देसी भाषा में बात करें चन्नी मतलब जैसे आप चाय बनाते हो, तो चाय जब बनाते हो गर्म पानी किया, उसको उबाला, बॉइल किया, उसको गर्म करने पर उसमें अदरक डाल दी, चाय पत्ती, उसको गर्म किया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, उसके बाद में गर्म करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कप में करते हैं और पी जाते हैं। ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते ना, क्या करते हैं, चाय बनने के बाद में, बनने के बाद में उसको पहले क्या करते हो, आप छानते हो, तो छानने के लिए कौन काम ले रहे हो, चन्नी। और यहां भी फिल्टर करने के लिए, डीसी को फिल्टर करने के लिए चन्नी लगानी पड़ेगी। और चन्नी कौन है यहां पर, फिल्टर परिपथ। और फिल्टर परिपथ में मतलब एक ही कैपेसिटर, अरे कौन सा परिपथ लोगे, कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ेगा। और इस कैपेसिटर को यहां पर परिपथ में जोड़ेंगे ना, हम कौन से क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे साहब। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में इसको संयोजित कर देंगे। तो आपने जाना शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में। इस फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस काम ले जाती है, तो कैपेसिटर। अरे इस कैपेसिटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में साहब। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्तों, हम जान रहे हैं कि मुझे अब की बार ये बताओ पल्सेटिंग डीसी चाहिए, फुल वेव पल्सेटिंग चाहिए मुझे, और परिवर्ती चाहिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा कौन सी प्रकार की डीसी प्राप्त करते हैं, तो आपने कहा पल्सेटिंग डीसी और परिवर्ती डीसी जो प्राप्त करते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा, जिसमें डायोड की संख्या कितनी होती है आपकी, एक, अरे हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होगी, एक। तो आपने कहा दोस्तों डीसी के बारे में जाना कि डीसी के भी हमारे तीन प्रकार हैं, नंबर एक शुद्ध डीसी, नंबर दूसरा परिवर्ती डीसी और नंबर तीसरा पल्सेटिंग प्रकार की डीसी। एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको लेकर चल रहा हूं। तो बिल्कुल यही ध्यान दो, शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग किया है हमने, फुल वेव रेक्टिफायर का,
इस फुलवेव रेक्टिफायर में हमने ऐसी कौन सी डिवाइस, ऐसी कौन सी युक्ति काम लिए जिससे भी डीसीएम कैसी प्राप्त कर रहे हैं, केवल शुद्ध डीसी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें आपने कहा कि मैंने एक फिल्टर परिपथ लगा दिया है, एक चन्नी लगा दी है, और चन्नी क्या लगा दी यहां पर है, एक कैपेसिटर संधारित कंडेंसर लगा दिया है, जो हमारे उस कंडेंसर को हमेशा कौन से परिपथ में लगा रहे हैं, अपने समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। साहब हम कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। आपने कहा मुझे शुद्ध नहीं चाहिए साहब, मुझे परिवर्ती चाहिए, मुझे पल्सेटिंग चाहिए। तो परिवर्ती और पल्सेटिंग प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन से प्रकार के परिपथ का उपयोग करेंगे, तो आपने आंसर दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या केवल क्या होगी, एक। अरे क्या होगी, एक। तो ये थे हमारे डीसी के प्रकार। अब बात करते हैं कुछ हमारे डीसी के अवगुण भी होते हैं। अरे क्या होते हैं, हमारे अवगुण भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जाने थे डीसी के प्रकार, तो डीसी के भी प्रकार हमने जाने हैं तीन प्रकार। नंबर एक शुद्ध डीसी, नंबर दूसरा परिवर्तित डीसी, और नंबर तीसरा पल्सेटिंग प्रकार की डीसी। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ हमारे डीसी के अवगुण भी होते हैं। अब अवगुण जानने से पहले आपको जानना होगा एसी के एडवांटेज क्या होते हैं, एसी के गुण क्या होते हैं। तो एक तरफ तो एसी के गुण और एक तरफ डीसी के अवगुण। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एसी के गुण के। एसी के गुण, एसी के गुण हमारे सबसे पहले हैं। हम डीसी के अवगुण जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा एसी के एडवांटेज, एसी के गुण क्या क्या और होते हैं। तो चले साहब बात करते हैं एसी के एडवांटेज में। नंबर पहला एडवांटेज, नंबर एक, बोर्ड पर ध्यान दो सभी विद्यार्थियों। तो आप कह रहे हो कि गुरुजी हमारी एसी एक ऐसी धारा है जिससे अपन एक स्थान से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। कि एसी मेरी ऐसी धारा है जिसे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। एक तार और केबल के माध्यम से, किसके माध्यम से, तार और केबल के माध्यम से हमारी एसी प्रकार की धारा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ऐसा एसी का एडवांटेज नंबर दूसरा कि एसी का जो उत्पादन है, और एसी का जो उत्पादन है यह है हम 11 केवी से 33 केवी तक करते हैं दोस्तों। अरे एसी का जो उत्पादन किया जा रहा है, एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक, मतलब इसको हम बोलते हैं 11,000 वोल्ट से लेके 33,000 वोल्ट तक है हम एसी का क्या कर सकते हैं, उत्पादन। अब मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। रोकना क्यों चाहूंगा कि मैंने वर्ड लिखा कि एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक। तो मुझे विद्यार्थियों ये बताओ कि एसी का उत्पादन हम किस किस के माध्यम से करते हैं। तो आप कहोगे एसी के माध्यम उत्पादन करने वाले हमारे पास में जो यंत्र हैं वो चार हैं। नंबर ये कहेंगे, जब मैं आपको डीसी जनरेटर पढ़ाऊंगा, मशीन पढ़ाऊंगा, तो उस समय हम बात करेंगे। तो मशीन में आपका आएगा डीसी जनरेटर, तो वहां सबसे पहले आप कहोगे एसी के उत्पादन में जल टरबाइन जनित्र, जल टरबाइन जनित्र, या उसे आपने कह दिया जनरेटर, नंबर एक। नंबर दूसरे को नाम दिया आपने वाष्प टरबाइन, नंबर दूसरे को नाम दिया आपने वाष्प टरबाइन जनरेटर। तीसरा उत्पादन करने वाला यंत्र रहेगा एसी जिससे हम प्राप्त करते हैं डीजल इंजन, अरे तीसरा रहेगा डीजल इंजन जनरेटर। और चौथी हमारे पास में एक विधि और होती है जिसे कहेंगे तापीय विधि, अरे क्या कहेंगे, तापीय विधि। तो एसी के उत्पादन करने वाले यंत्र जो है हमारे पास में कौन है, नंबर एक जल टरबाइन, नंबर दूसरा वाष्प टरबाइन, नंबर तीसरा डीजल इंजन, और चौथा है तापीय विधि। अब विद्यार्थियों मैं आपको 2011 का क्वेश्चन याद दिला रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर का, और 2011 टेक्निकल हेल्पर ने क्या कह दिया कि साहब उनको मतलब नहीं है जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल इंजन और तापीय विधि से मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा आपसे कि मुझे बताओ कि राजस्थान में, और राजस्थान में निम्न में से सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक जल टरबाइन, नंबर दूसरा वाष्प टरबाइन, नंबर तीसरा डीजल इंजन, और चौथी तापीय विधि। कि जो हमारा राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली विधि निम्न में से कौन सी है, तो आप कहोगे जल टरबाइन। अरे कौन सी है दोस्तों, जल टरबाइन। मैंने अभी पहली वीडियो में ही आपको बताया था कि हमारा राजस्थान के अंदर बिजली का सबसे बड़ा संयंत्र जो लगा हुआ है एक रावतभाटा के नाम से है। के नाम से है रावतभाटा के नाम से, जो कहां लगा हुआ है, चित्तौड़ में लगा हुआ है। सब कहां लगा हुआ है, चित्तौड़ में लगा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर बात कर रहे हो कि बिजली का सबसे बड़ा संयंत्र रावतभाटा जो चित्तौड़ में लगा हुआ है। उसके बाद में ये तो रही राजस्थान की बात,
आपने कहा पूरे भारत की बात कर रहे हैं गुरु जी हम तो, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में, कौन सी विधि काम में ले जाती है, तो आप कहोगे तापीय विधि। अरे कौन सी विधि काम लेंगे, तापीय विधि काम लेंगे। तो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दें, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो यंत्र है जो कौन सा काम लिया जा रहा है, जल टरबाइन। पूरे भारत की बात कर रहे हो तो कौन सी विधि काम ले रहे हो, तापीय विधि। तो आपने पॉइंट नंबर दूसरे में कहा कि एसी का एडवांटेज, एसी का उत्पादन 11 केवी से 33 केवी तक किया जाता है, 11000 वोल्ट से लेके 33000 वोल्ट तक किया जाता है। पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरे में कहेंगे एसी हमारी ऐसी धारा है कि एसी को हमें डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। एसी में एक ऐसी धारा है जिसे मैं डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकता हूं एक रेक्टिफायर के द्वारा, जो अभी हमने बात की थी पहली वीडियो में ही बताया था। इससे रेक्टिफायर या डायोड जिसे हम बोलेंगे, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। तो एसी का एडवांटेज नंबर तीसरा कि एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। चौथी बात कर रहे हैं कि एसी को आसानी से और आसानी से अपन स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। एसी हमारी एक ऐसी धारा है जिसे अपन आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। आप कहोगे ट्रांसफार्मर के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से एक परिणाम मित्र के द्वारा आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। कौन सी प्रकार की धारा को, एसी प्रकार की धारा को। पांचवें एडवांटेज में कहेंगे एसी की हमारे भारतवर्ष में आवृत्ति, और भारतवर्ष में आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। अरे कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है कि हमारी एसी की जो आवृत्ति है, एक फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है हमारी, 50 हर्ट्ज है दोस्तों। अरे पॉइंट नंबर छठवें में कह रहे हैं कि एसी की मशीनों की संरचना, और संरचना सरल होती है। सब कैसी होती है दोस्तों, सरल होती है। तो एसी के एडवांटेज हमने जाने, 6 एडवांटेज जाने, और 6 एडवांटेज में आपने कहा पहला गुण उसने बताया कि एसी मेरी एक ऐसी धारा है जिसे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता हूं, किसके माध्यम से, तार और केबल के माध्यम से। आपने पॉइंट नंबर दूसरे में जाना कि एसी का उत्पादन हमारे 11 केवी से 33 केवी तक करते हैं, या 11000 वोल्ट से लेके 33000 वोल्ट तक करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरे में कहा कि एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं एक रेक्टिफायर या डायोड के माध्यम से। पॉइंट नंबर चौथे में कहा कि एसी को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से। एसी की हमारे भारतवर्ष में आवृत्ति का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है, और एसी की मशीनों की संरचना कैसी है, सरल है। अरे कैसी है, सरल। तो ये थे हमारे एसी के एडवांटेज। अब हमें जानना है डीसी के अवगुण के बारे में। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले यदि आपको डीसी के अवगुण जानने हैं तो पहले आपको जानने होंगे एसी के एडवांटेज। तो एसी के एडवांटेज कितने हैं, 6। अब इन 6 की 6 एडवांटेज को आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो वो डीसी के बन जाएंगे दोस्तों, अवगुण बन जाएंगे। यहीं पर ले रहा हूं बोर्ड पर, साथ साथ में ही ले रहा हूं, यही आपको अंतर पता लगेगा कि डीसी के अब गुण क्या है और एसी के गुण क्या है। तो देखो एसी के गुण, और यहां पर ही ले रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, बोर्ड पर ही रहना। तो डीसी के अवगुण और डीसी के अवगुणों में देखो, यही पर अंतर मालूम पड़ेगा कि एसी के बारे में आपने कहा है कि एसी को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से अपने ले जा रहे थे, जबकि कहेंगे कि डीसी को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब क्यों नहीं ले जा सकते साहब, क्योंकि कहोगे, क्योंकि डीसी का जो उत्पादन है ना, पेपर में कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डीसी का उत्पादन किया जाता है तो केवल कितने वोल्ट तक जाता है, 650 वोल्ट तक किया जाता है। एसी का उत्पादन तो आप कर रहे थे 11 केवी से 33 केवी तक, और जबकि डीसी का उत्पादन है 650 वोल्ट तक करेंगे साहब। आपने कहा था कि डीसी को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, तो मैंने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, हर किसी का आपको आंसर जानना है क्यों नहीं ले जा सकते। तो आप कहोगे डीसी का उत्पादन कितना वोल्ट तक है, केवल 650 वोल्ट तक है। अब मैंने कहा कि मैं साहब भरतपुर और ये आपका जयपुर, पापा ने मुझे फ़ोन किया लाला कि मोकू यहाँ, तू लाला यहाँ थे जयपुर थे, 650 वोल्ट कौन भेज दे, डीसी भेज दे।
तो मैंने कहाँ से, जयपुर से पापा को क्या भेजनी है मुझे, 650 वोल्टेज डीसी भेजनी है। अब ये तो है नहीं फोन से भेज दूँ मैं या किसी में थैला में बैग में भर के डीसी भेज दूँ, वो भेजूँगा किसके माध्यम से भेजूँगा। मैंने आपको बताया कि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे कौन, चालक तार, कौन ले जाएंगे चालक तार, जितने भी आपके एल्यूमिनियम के हैं, चाहे सोना है चाहे तांबा है चाहे एल्यूमिनियम है टंगस्टन है पीतल है नायक्रोम है यूरेका है निकल है क्रोमियम है, जितनी भी मेटल आती है जितनी भी धातु आती है वो हमारी क्या है सारी कंडक्टर हैं, एक चालक हैं। अब इन चालक के माध्यम से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे। तो मैं यहाँ जयपुर से हमारे पापा को भेज रहा हूँ, भरतपुर साहब भेज रहा हूँ, यहाँ से जयपुर से भरतपुर डीसी 650 वोल्टेज भेज रहा हूँ। तो 650 वोल्ट को मैंने इस चालक तार में दिया, तो आपको पता है प्रत्येक चालक तार के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, अरे कौन होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस हम जानेंगे आगे जाके रेजिस्टेंस करता क्या है कि विद्युत धारा के बहने में क्या उत्पन्न करता है, बाधा, अरे क्या करेगा बाधा, और ये बाधा उत्पन्न करेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। दोस्तों क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज की एक देसी भाषा में बात करें तो खपत होगी मेरी 650 वोल्ट यहाँ से, मैं जयपुर से चलाऊंगा तो ये बस्सी तक ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब बस्सी तक ही ड्रॉप पूरी हो जाएगी और आगे नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए क्योंकि डीसी का जो उत्पादन सीमित है और सीमित भी कितना है 650 वोल्टेज है, इसलिए हम डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। क्यों, डीसी का उत्पादन केवल कितना वोल्ट है, 650 वोल्ट है। आप कहोगे कि डीसी को एसी में और डीसी को एसी में आसानी से परिवर्तित तो नहीं कर सकते, जबकि एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर रहे थे किसके माध्यम से, एक रेक्टिफायर के माध्यम से, जबकि डीसी को एसी में आसानी से परिवर्तित तो नहीं कर सकते। कर तो सकते किसके माध्यम से, एक इन्वर्टर के माध्यम से, लेकिन हर कोई इन्वर्टर को नहीं लगा सकता। 28,000 का 30,000 का इन्वर्टर लगता है, जबकि आपने कहा डीसी को एसी में आसानी से परिवर्तित तो नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर चौथे में कहेंगे कि डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन भी नहीं कर सकते साहब, जबकि हम एसी को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे थे किसके माध्यम से, एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जबकि डीसी को ना तो स्टेप अप कर सकते हैं ना स्टेप डाउन नहीं कर सकते साहब। क्यों नहीं कर सकते, आ जाओ साहब इस पर बात करें। और स्टेप अप स्टेप डाउन जो करेंगे तो मैंने कहा किसके माध्यम से करेंगे, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। दोस्तों किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। लेसन नंबर 15 में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर को, जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन टॉपिक है इसलिए यहां बता रहा हूं मैं आपको कि डीसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों नहीं कर सकते। तो आपने कहा ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर के पास में हम डीसी को लेके गए, भाई ले दादा या स्टेप अप कर दे या स्टेप डाउन कर दे। तो डीसी इस ट्रांसफार्मर ने क्या कहा कि मैं तो केवल लाला कौन सी प्रकार की धारा पर काम कर रहा हूं, एसी पर आ रहा कौन सी पर काम करता हूं, एसी पर कौन सी पर कार्य नहीं करता, डीसी पर कार्य नहीं करता। अरे हमने कहा एक समय डीसी पर कर ले भाई, का फर्क पड़ रहा है, नहीं डीसी भी ले ले, हमारी 650 वोल्टेज है, हो सकता है 11 kV बदल जाए, 33 kV बदल जाए, 66 kV हो जाए, 132 kV हो जाए, 220 kV हो जाए, 440 kV तक हो जाए। तो इसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे कहने से, आपके बड़े बूढ़े के कहने से हमने ये डीसी प्रकार की धारा हमने ले ली सर। तो ट्रांसफार्मर ने जैसे ही डीसी प्रकार की धारा ली, तो जो ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसके बाद में आपकी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जैसे ही आप डीसी प्रकार की धारा दोगे, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग हमारी क्या हो जाएगी साहब, जल जाएगी। वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्यों जल जाती है, ये भी क्वेश्चन बात करें, क्योंकि जो डीसी प्रकार की धारा है इसमें इंडक्टेंस, अरे किसकी बात कर रहे हो आप, इंडक्टेंस। इस इंडक्टेंस को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं प्रेरकत्व, इसकी इकाई होती है हेनरी, अरे क्या होती है हेनरी, और हेनरी को किससे बात करते हैं, एच से बात करते हैं। तो आपने कहा कि यदि डीसी प्रकार की धारा दोगे तो इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का मान क्या होगा, जीरो। अरे डीसी में इंडक्टेंस का मान क्या होगा, जीरो, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें से उच्च मान की धारा बहने लग जाएगी और जिसके परिणाम स्वरूप इसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर केवल कौन सी प्रकार की धारा पर काम करता है, एसी पर काम करता है, कौन सी प्रकार नहीं करता, डीसी पर। इसलिए डीसी को ना तो स्टेप अप कर सकते हैं ना स्टेप डाउन नहीं कर सकते। पांचवें पॉइंट में कहेंगे कि डीसी की आवृत्ति हमारे भारतवर्ष में, और डीसी की आवृत्ति हमारे भारतवर्ष में 0 Hz होती है, जबकि एसी की आवृत्ति कितनी थी, 50 Hz थी, और डीसी की आवृत्ति का मान कितना होगा, 0 Hz रहेगा। और छठवें पॉइंट में कहेंगे डीसी के अवगुण में कि डीसी की मशीनों की संरचना,
जटिल होती है। अरे क्या होती है? जटिल होती है, कठिन होती है। तो ये थे आपके डीसी के अवगुण, ये थे आपके एसी के गुण। तो सारी चीजें एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। पसीना निकल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा पसीना टप टप जर रहा है। जितना आपको कहते हैं ना, सोना जो होता है जितना तपता है, जितना तपेगा उतनी ही उसमें चमक आती है दोस्तों। तो पसीना को निकालो, जितना पसीना आपका ज्यादा निकलेगा उतना ही मजा आएगा, एक एनर्जी आएगी पढ़ने में, एक मजा आएगा, जोश आएगा। तो जोश को एक भरो अंदर, अपने अंदर गर्मी को भरो। इसलिए कहता हूं ये पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, ऐसा ही एक पागलपन है मेरे अंदर, एक पागलपन है। एसी में पढ़ा रहे हैं लोग, किस में पढ़ा रहे हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है केवल। ये मेरा ये पढ़ाने का पैटर्न जो है वो आपको पसंद आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ना कि ये पसीना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कमेंट में देख रहा हूँ लगातार कि गुरुजी आपके पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। दोस्तों मेरे पसीने हमेशा, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी इसी प्रकार से, मैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है मेरे हमेशा मेरे शरीर के अंदर। तो मैं भी चाहता हूँ इस एनर्जी को आप भी इसी प्रकार से, जब तक सिलेक्शन ना लो तब तक भरते रहो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज हमने इस टॉपिक में हमने जाना था डीसी के बारे में, डायरेक्ट करंट की हमारी सेकंड क्लास के बारे में जाना था। तीसरी क्लास जो हम कर लेंगे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ विद्युत धारा के प्रभाव हमारे, मतलब विद्युत धारा के कौन कौन से और प्रभाव होते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हो विद्युत धारा के क्या प्रभाव हैं, तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा, एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से आपको क्लियर करता रहूंगा। आपको कहीं भी किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर में आपको ऑफलाइन क्लास के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब पर अपने चैनल पर लेके आए हैं आदित्य टेक्निकल क्लासेज पर, जिसमें दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, लोको पायलट, जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसी है सभी के लिए हमारे चैनल कारगर साबित होगा। तो इसको शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ और हम आपके लिए क्या करें। कुछ विद्यार्थियों की हमारी डिमांड है कि सर फिटर की भी क्लास स्टार्ट कर दो। तो मैं विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं कि फिटर क्लास के लिए आप सभी जानते हैं आदित्य क्लासेस से लगातार जुड़े हैं, बलवीर सिंह चौधरी जो जानते हैं, लोको पायलट में सिलेक्शन दिए हैं। तो आज उनकी क्लास, पहली क्लास इंट्रोडक्शन उनका स्टार्ट हो रहा है। तो बलवीर सिंह चौधरी का उनकी भी क्लास रहेगी हमारे इसी चैनल पर आदित्य टेक्निकल क्लासेज के माध्यम से रहेगी। तो दोस्तों आगे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।